स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री के केवल उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है, इसकी रचना कैसे की जाती है। दोस्तों, आपको बता चलूं, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बच्चों आपसे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ट्रांसफॉर्मर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वही ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं बच्चों, जिस ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपके और हमारे घरों में बिजली आती है, उसी ट्रांसफार्मर की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा। वैसे ट्रांसफार्मर बच्चों दो प्रकार का होता है, वो मैं अभी आगे वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। एक तो वो ट्रांसफार्मर जो अपने मोहल्लों में रखा होता है, जिसके माध्यम से हमारे घरों में सप्लाई यानी बिजली आती है, और एक ट्रांसफार्मर वो होता है जो पावर हाउस में रखा, यानी बिजली घर में रखा होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा की, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। परिभाषा बच्चों ये है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। चलिए देखिए, मैं चीज को लिख देता हूँ, फिर आगे मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर, तो कठिन लगा रखा है, लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, प्रत्यावर्ती धारा धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। तो ये इसकी डेफिनेशन में आपको लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखा? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात हुई। देखिए ट्रांसफार्मर बच्चों दो प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर बच्चों दो प्रकार का होता है, दोनों के देखिए मैं नाम लिख देता हूं। पहला ट्रांसफार्मर होता है बच्चा आपका, नंबर एक होता है बच्चा आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है बच्चा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ये। ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर होता है बच्चा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्म ये देखिए। तो ये दो प्रकार का होता है बच्चों ट्रांसफार्मर, एक होता है बच्चा आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों स्टेप अप, इंग्लिश में बोले तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनमें अंतर समझ में आएगा तो इसके नाम भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक होता है बच्चा आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है बच्चा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर को बोलते हैं बच्चों हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसको बोलते हैं बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको समझाता हूं। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर बच्चों वो ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाने के काम आता है। एक बार फिर से पकड़ो बच्चों, जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाया जाता है, और ये ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चे आपके पावर हाउस में यानी बिजली घर में रखा होता है, क्योंकि वहां से तो हम बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होते हैं, क्योंकि पूरे इलाके को लाइट सप्लाई करता है बिजली घर को। तो वहां बहुत हाई वोल्टेज पर करंट आता है, तो किसके माध्यम से आता है बच्चे? वो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर के माध्यम से आता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? एक बार फिर याद रिपीट करूं बात को, जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाने के काम आता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? और जो आपका ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, ये ट्रांसफार्मर बच्चों वो ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम करने काम आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए बिजली घर से जो करंट आ रहा है, मान लीजिए वो आ रहा है 24 हजार वोल्टेज पे, कितने पर आ रहा है? 24 हजार वोल्टेज पर आ रहा है। अगर बिजली घर से डायरेक्टली अपने घर अगर वायर लगा दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट कितनी सप्लाई अपने घर में आएगी? 24 हजार वोल्ट आएंगे, और अपने सारा जितना भी ऊपर चला था बिजली का पंखा, फिर जो एसी
इतना हैवी तो लोड कोई सहन नहीं कर पाएगा, 24,000 वोल्टेज तो बहुत होते हैं। समझ मारा आप लोगों की बात? तो सब क्या हो जाएंगे बच्चों, वो मतलब फूक जाएंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये 30 वोल्टेज को बढ़ाता है, लेकिन अब ये जो 24,000 वोल्टेज आ रहे हैं इसको कम कौन करेगा? ये करेगा बच्चों आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं छोटे छोटे। समझ मारा आप लोगों को मेरा? तो ये क्या करते हैं, वो जो 24,000 वोल्टेज आ रहे होते हैं ठीक है, उसको कहते हैं डाउन कर देते हैं। और ये अपने घरों में जो ऊपर रखे गए जिसकी जो वोल्टेज चाहिए होता है उनको कितना, लगभग 220 वोल्ट चाहिए होता है, तो उस 24,000 वोल्टेज को कायम कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, वो लगभग 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है ना, ये प्रत्येक धारा के वेव को कम करने का काम आता है। समझ मारा? यानी जो आपके मोहल्ले में चौराहों पर जो रखे हुए होते हैं, तो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों? वो आपके अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। इनका मेन काम क्या है? वोल्टेज को कम करना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या बच्चों, इसका काम बच्चों वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना। ये कहां रहता है? बिजली घर में रखा रहता है। लेकिन जो बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसको काम होता है वोल्टेज को कम करना है। यानी बिजली घर से 24,000 का वोल्टेज आ रहा है, उसको कितना करना, कम करना, बहुत ज्यादा कम करना, लगभग 220 वोल्ट के आसपास कर देता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो कहां 24,000, कहां 220, बहुत अंतर हो गया, कितना बहुत कम कर देना इसमें इसको। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतने ही लगभग जो एवरेज वैल्यू वोल्टेज इसी वैल्यू पे हमारे घर के ऊपर चलते हैं, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, एलईडी टीवी हो, बिजली का पंखा हो, मोटर हो। समझ में आप लोग को मेरी बात? अगर आप ये जो वोल्टेज आ रहा था, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर कितना लगभग 24,000 वोल्टेज, अब इतने हाई वोल्टेज अगर किसी डिवाइस को मिल जाए घर के, तो वो बचेगी क्या? नहीं, वो फूक जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस वोल्टेज को कौन कम कर देता है? ये अपचाई ट्रांसफार्मर जो आपके चौराहों पर इन मोहल्ले पर रखे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो आपका जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, वो करता है वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। ये आपके बिजली घर में रखा जाता है, ठीक है। और ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को कम करना। लेकिन ये क्या कर रहा है देखो, ध्यान समझा, ये 220 में से कम नहीं कर रहा है। आपको कितने बिजली घर से कितने वोल्टेज आते हैं? 24,000 वोल्टेज, ठीक है। कितने किसके पास आएंगे? अपचाई ट्रांसफार्मर, जो अपने मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रखा है, तो इनको ही डाउन कर देगा। और कितना कम कर देगा? लगभग 220 वोल्ट के आसपास ले आएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो चलिए देखिए, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, देखिए इनपुट का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या, एसी करंट यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज देंगे तभी तो हमें इधर करंट मिलेगा। सच बता रहा, तो इनपुट का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जो आप करंट यहाँ सप्लाई कर रहे हैं एसी का प्रतीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही बच्चे इसके अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे, जैसे हम इसके अंदर बच्चे कराएंगे करंट फ्लो, क्योंकि एसी करंट तो टाइम के, एसी जो करंट होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन और परिमाण दोनों चेंज करता रहता है। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात? तो हम किसी टाइम मान रहे हैं कि करंट चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है इसके अंदर, करंट इसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है इसके अंदर, यानी इसके अंदर करंट ऐसा आएगा और ये कुछ कंडीशन में ऐसे जाएगा, ठीक है। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी वायर के अंदर, जब हम किसी वायर के अंदर क्या करंट फ्लो कराते हैं, क्या करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। यानी इस चीज को मैं अलग से दिखाऊं आप लोगों को बना करके, ऐसे करके मान लीजिए इसके अंदर करंट आ रहा है, क्या रहा है बच्चों, करंट आ रहा है ये। समझ मारा? तो इस वायर की ये विशेषता होती है कि अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये ऑक्साइड का प्रयोग हो गए तो चुंबकीय उत्पन्न करेगा, तो इससे मैग्नेट फील्ड लाइन से लगेंगे, वो ऐसे निकलेंगी, यानी ये परिनालिका यानी सोलेनोइड की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा? लेकिन यहाँ पर ये जो पटलित लोह करोड़ होती है, जो नॉर्मल लोहे की जो करोड़ होती है, जिसको बोलते हैं पटलित लोह करोड़, ठीक है। तो यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं जितनी बनती है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं करती है बच्चे, इस टाइप से इसको घुमा देती है ऐसे करके, ये। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ये क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं करती है बच्चे, बंद लूप होती है ये। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं बच्चे इस कॉइल के अंदर बनेंगी, ठीक है, लगभग 99% चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगे बच्चों, घूम के इधर आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक चुंबकीय बल रेखा ये बनी, ठीक है, तो ये घूम के क्या आएगी बच्चे, ये इधर आ जाएगी ये, क्योंकि ये बंद लूप बनना है ना। ये जो पटलित लोह करोड होती है बच्चों, ये नॉर्मल लोह की जो करोड होती है आयताकार, ठीक है, इसका मेन काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को इस कॉइल से रिलेटिव हो और ये घूम करके आए बच्चे, इधर आ जाए। सही माना आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए, अब देखिए, अब जैसे जैसे ये करंट, क्यों अगर हम इसका देखिए, अगर बच्चे हम चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला देखें, तो देखिए परिनालिका के लिए फार्मूला होता है बी बराबर होता है बच्चे आपका म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, जहाँ ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ये, एन फेरों की संख्या, तो बी समानुपाती किसके होता है, इसका मतलब आई के हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये एसी करंट है, तो ये टाइम के अगर चेंज हो रहा होगा, और जब चेंज हो रहा होगा तो कभी चुंबकीय बल रेखा ज्यादा हो रही होगी, कभी कम हो रही, क्यों? तो देखो, पहले तो ये बढ़ता है, ये प्लस में वैल्यू रहता है, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये माइनस में आएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो लगातार फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, लगातार फ्लक्स जब चेंज होगा तो फराडे के अनुसार इसके अंदर क्या होगा बच्चों, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, और इसके अंदर क्या बच्चों, प्रेरित धारा बहने लगती है। समझ में आ रहा? चलिए देखिए, मैं थोड़ा इसका डायरेक्शन वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में
ये नर्म लोहे की क्रॉड क्यों लगाई जाती है? इसका काम ये होता है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स रेखाएं क्या हो बच्चों, जितनी इस कॉइल में बने उतनी उस कॉइल से जाकर रिलेटिव हो जाए, यानी जो चुंबक वाली रेखाएं जो बाहर ना निकल पाए इससे, ये काम होता है नर्म लोहे का। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये कहूं कि अगर प्राथमिक कुंडली मान लो फेरों की संख्या हमने मान ली, ये प्राथमिक कॉइल है, इसमें फेरों की संख्या हमने मान ली बच्चों क्या है एन पी, इसमें फेरों की संख्या हमने मान ली बच्चों क्या एन एस। ठीक है, पी फॉर प्राइमरी एस फॉर सेकेंडरी। ठीक है, तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये होता है आपका ई, ई पी लिख देता हूं, प्राथमिक की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा फैराडे का नियम लगाएंगे माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों द्वितीय कुंडली की बात करते हैं, लिखेंगे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहां पे ई एस दिखा देता हूं, फैराडे का नियम यहां पे लग रहा है माइनस के एन एस हो जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा बच्चा आपका डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण आप एक कह दीजिए, इसको समीकरण आप दो कह दीजिए। अब समीकरण दो को समीकरण एक से भाग कर दीजिए, लिख देता हूं, देखिए समीकरण दो को समीकरण एक से भाग, जब भाग करेंगे देखिए दो को कर रहे हैं तो इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा आपका ई एस, इससे करेंगे तो हो जाएगा बच्चा आपका ई पी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या देखो, ये डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम दो को भाग कर रहे हैं तो ये एन एस ऊपर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, देखो एन एस ऊपर हो जाएगा और ये एन पी बच्चा आपका नीचे हो जाएगा। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात, तो ये एक डेरिवेशन है, समझ मारा आप लोगों को मेरी बात, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए इस फॉर्मूले से बहुत कुछ पता चल रहा है, देखिए ई एस क्या है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये क्या बच्चों एन एस है द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या, समझ में आ रहा है, यानी ई एस अगर ज्यादा होगा तो एन एस का मतलब क्या है द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या है, एन एस क्या द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या है, अगर आपको ई एस अगर ज्यादा चाहिए तो द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्या होना चाहिए आपकी ज्यादा होना चाहिए, अगर ई एस का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। ई एस क्या, ई एस फिर से बता रहा हूँ द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, और यानी ये जो ये अगर मैं समानुपाती के हिसाब से दिखाऊं तो ये कुछ ए फार्मूला ये बन रहा है, ये बन रहा फार्मूला, अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए किसी ट्रांसफार्मर पर, हाई वोल्टेज चाहिए जो उसमें होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है, तो उसके दूसरी कुंडली में क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं ये कौन सा ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो आपके बिजली घर में रखा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों मेरी बात, तो देखिए यहां से थोड़ा देखिए मैं पढ़ा देता हूं, मैं आगे इसका और डायरेक्शन करता हूं। देखिए अगर मैं ये कहूँ बच्चों की प्राथमिक कुंडली मान लीजिए यहाँ पर आईपी करंट है, कितना करंट है बच्चों आईपी करंट है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए क्या बच्चों आई एस करंट है, कितना करंट है बच्चों आई एस करंट है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ रफ किया देता हूँ ताकि चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। देखिए आगे देखिए लिखते हैं, अगर मैं ये कहूँ की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में कितना करंट हो आईपी और आई एस करंट हो, तो देखिए लिखे हैं यदि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में धाराएं आईपी तथा आईएस हो तथा ऊर्जा ह्रास नगण्य हो, कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी ऊर्जा की हानि ना हो रही हो, ठीक है, नगण्य हो, तब निवेशी परिपथ की शक्ति बराबर निर्गत शक्ति परिपथ की शक्ति, यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति, और शक्ति का जो फार्मूला होता है क्या होता है पी वाई का होता है बी आई होता है, क्या होता है बी आई होता है, अगर मैं इसके लिए फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे कर दूंगा मैं पी कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा आपका यहाँ पे ये कर दूंगा पी, समझ मारा प्राथमिक कुंडली के लिए, लेकिन जो आपका बी है ना इसको मैं क्या लगाऊंगा ई से लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ बच्चों ई से लिख रहा हूँ, किससे ये देखिए, सही मारा आप लोगों का, ये का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आपका वी की ही का तरह काम करता है, और यही फॉर्मूला जब इधर लगाएंगे तो बच्चे पी वाई का जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चा आपका, देखो ध्यान से ये बी आई होता है, वैसे तो द्वितीय कुंडली की बात कर रहा हूं,
तो यहाँ का लगा देंगे, देखिए हम मिलाएंगे ई और यहाँ एस लगा देंगे और यहाँ भी एस लगा देंगे सेकेंडरी कॉइल के लिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए ये बनेगा तो ई पी मल्टीप्लाई आई पी बराबर, इधर लगाइए फॉर्मूला ये ई एस मल्टीप्लाई आई एस, ठीक है। अच्छा अगर देखिए बच्चों मैं यहाँ पे ई पी को इसके बटे में लेकर जाऊं तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, देखो ये इसके बटे में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ई एस, ई एस क्योंकि बटे में जाएगा इसके, तो जाएगा आपका ई पी बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका आई पी या फोन क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा आई एस बन जाएगा। अब देखिए इस फार्मूला को देखिए, इस फार्मूले से बच्चे क्या पता चल रहा है, यहाँ से देखिए ई एस और आई एस में क्या रिलेशन है, ई एस और आई एस में ये रिलेशन है कि व्युत्क्रमानुपाती है, अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो वो क्या करेगा करंट को कम करेगा, ये फायदा हो, ये विशेषता होती है ट्रांसफार्मर की। अगर कोई ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पर रिलेशन लिख रहा है वोल्टेज और करंट में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये ई एस है ना, ई एस जो आ रहा है, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती किसके है, ये बच्चों आई एस के, किसके बच्चों आई एस के, ध्यान से देखिए चीज को, देखो क्या ई एस और क्या आई एस, समझ में आ आप लोगों को मेरी बात, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज को बढ़ा होगा, प्रत्यर्थी वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा क्या करेगा कम करेगा, यही होता है, अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा तो धारा को बढ़ाएगा, यही तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो ये जो आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, ये जो बना हुआ है, ये वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन धारा को कम कर देता है, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं जबकि मोहल्ले चौराहों पर होते हैं वो वोल्टेज को कम करते हैं करंट को बढ़ा देते हैं। तो ये याद रखना ट्रांसफार्मर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ट्रांसफार्मर दोनों काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो धारा को भी बढ़ा रहा है वोल्टेज को बढ़ा, ऐसा कभी नहीं होता, अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा को कम करेगा और धारा को बढ़ाएगा तो वोल्टेज को कम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को मिलाकर के अगर लिखूं ध्यान से, तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए, लिख सकते हैं देखो ये चीज तो देखो इसमें भी आ रही थी, लिख सकते हैं ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी, और हम करंट की फॉर्म में लिखे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आई पी अपॉन आई एस, आई पी अपॉन आई एस हो जाएगा, ठीक है। और इन सब के बराबर हम क्या मान लेते हैं बच्चों, आर मान लेते हैं, आर क्या बच्चों, आर है ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात, इस आर को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात बोलते हैं। कभी कभी यहां तक आपसे व्यंजक भी पूछ लिया है कि ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात भी बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क जाए, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।